Mom? Dad? Oh my God, कल से मेरा एग्जाम शुरू होने वाली है और मैंने अभी तक अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। तब तक मैं अपना लैपटॉप से ही तैयारी कर लेता हूँ एग्जाम के लिए। लेकिन मम्मी पापा गए कहाँ? लेकिन रामलाल को पता होगा, उसे ही बुलाता हूँ। रामलाल जी साहब। रामलाल, मम्मी पापा नहीं है? आपका मम्मी पापा अभी गए हैं, कह रहे थे कि कुछ इमरजेंसी है और अभी जस्ट अभी निकले हैं। और साहब, आपका खाना लगा दिए हैं, आपका टेबल पर रख दिए हैं। साहब हम चलता है, हमको लेट हो रहा है साहब, अब हम चलता है। हमारी बीबी का तबीयत ठीक ना है साहब, हम चलते हैं। ठीक है साहब, रात बहुत ज़्यादा हो गया साहब। ठीक है साहब, हम चलते हैं साहब। ठीक है साहब, अब हम चलते हैं। ये कैसे आया यहाँ पे? ये तो था नहीं यहाँ पे, पहली बार देख रहा हूँ इसे। चलो यहाँ रख देता हूँ मैं। वहाँ नीचे
रामलाल। कौन? कौन था? कुछ थे जरूर है इस घर में। मुझे अभी इस घर में कुछ है। रामलाल बेहोश पड़ा था, तरह तरह की आवाज आ रही है। मुझे कहीं तांत्रिक पास जाना होगा। भूद्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवः स्वयमेव यो न प्रचोदया। बाबा बाबा मेरी रक्षा कीजिए, बाबा मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए बाबा। न जाने क्या क्या मेरे घर में हो रहा है। आप ही इस चीज से छुटकारा दिला सकते बाबा, इसलिए मैं बोलो बालक। बाबा मेरे घर में न जाने क्या क्या चीज हो रही है। कभी घूंघरू की आवाज, कभी अच्छा और तरह तरह की आवाज आती है बाबा। लगता है कि मेरे घर में किसी का साया भूत प्रेत है। मदद कीजिए बाबा, मेरे पापा, मेरे मम्मी पापा कहीं गए बाहर। क्या? हाँ हाँ बाबा, दरअसल मैं दोस्तों के साथ मैं क्रिकेट खेलने चल गया था बाबा, और एग्जाम शुरुआत ही होने वाली है, और मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगा, लेकिन रामलाल से पूछा था कि वो है ही नहीं। जिस ग्राउंड में तुम खेल रहा था वो ग्राउंड नहीं, वो कब्रिस्तान था। क्या बाबा? मुझे नहीं पता था बाबा, आप कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए, इस बुरी आत्मा से मुझे छुटकारा दीजिए बाबा। आप ही मेरे सहारे, कुछ कीजिए। मैं अपनी मम्मी पापा को नहीं खोना चाहता बाबा, कुछ कीजिए। जिस रामलाल को तुमने देखा था वो मर चुका है, और उसमें बुरी आत्मा प्रवेश कर चुकी है, और तुम्हें नष्ट करके छोड़ेगा वो। मैं ऐसा तुम्हें होने नहीं दूंगा। उसके लिए हल है मेरे पास। मैं तुम्हें एक दिव्य दृश्य देता हूं, तुम इस दिव्य दृश्य से उसे नष्ट कर सकते हो। ध्यान रहे, ये दिव्य त्रिशूल अपने हाथ से ही मारना। ये रो दिव्य त्रिशूल, याद रहे, ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वस्तु गतोपि च स्मृति कांचा सपनुष्टि। ये लो। जय बजरंग बली, जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली, जय हनुमान गण सागर अग्निपुत्र त्रिलोक जा।
त्रिशूल कहाँ है? वो दीदी त्रिशूल।